कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता आज डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम पहुंचेंगे। आपको बता दें, जहां बारिश के दिनों में टापू बनने वाले बेनेश्वर धाम पर 132 करोड़ के हाई लेवल पुल निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी बेनेश्वर धाम पर हरि मंदिर में दर्शन के बाद महंत अत्युच्चानंद महाराज से धाम के लेकर बातचीत भी करेंगे। इसके बाद बेनेश्वर धाम से पुल की दूसरी ओर बांसवाड़ा जिले में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सभा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर समेत एमपी, गुजरात के लोग भी जुटेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं भारी भीड़ और वाहनों के आने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी की यह सभा राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई मायनों में खास है। राहुल गांधी इसी सभा से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे। तो 132 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आज राहुल गांधी पहुंचेंगे बांसवाड़ा जिले में। बेनेश्वर धाम पहुंचेंगे आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत। तो डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात आज राहुल गांधी देंगे। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। तो बांसवाड़ा जिले में सभा को संबोधित करने का भी आज राहुल गांधी का कार्यक्रम है। उनके साथ ही सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। तो बेनेश्वर धाम आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने के लिए आज राहुल गांधी पहुंचेंगे। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास आज राहुल गांधी करेंगे। साथ ही बांसवाड़ा जिले के सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बेनेश्वर धाम आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। करोड़ों की सौगात आज मिलने जा रही है। बांसवाड़ा जिले में सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो बेनेश्वर धाम आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम है। डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात आज सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी देने जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता किशन सैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी किशन, देखिए, आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत का डूंगरपुर दौरा रहने वाला है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। आज कुछ क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जो सभा स्थल है उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम आने का है वो करीब 11 बजे यहाँ पर राहुल गांधी है वो बेनेश्वर धाम पर आएंगे। खास बात ये है कि राहुल गांधी इस जो बेनेश्वर तो बेनेश्वर धाम आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात आज देंगे। तो 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास आज करेंगे। साथ ही बांसवाड़ा जिले को संबोधित भी करने वाले हैं। तो राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत आज बेनेश्वर धाम पहुंचेंगे। डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। तो डूंगरपुर की जनता के लिए आज बड़ा दिन। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास करने के लिए आज डूंगरपुर सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो आज बड़ी सौगात और करोड़ों की सौगात डूंगरपुर की जनता को मिलने जा रही है। 132 करोड़ की लागत से पुल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो नव संकल्प चिंतन शिविर का कल समापन था और आज राहुल गांधी डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास आज राहुल गांधी करेंगे। तो 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया। कल उसका समापन था और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। और आपको बता दें कि आज डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है, तो जनता को साधने की, वोट बैंक साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत आज
डूंगरपुर पहुंचेंगे। बेनेश्वर धाम आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत का दौरा है, तो डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी मिलने जा रही है। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास राहुल गांधी आज करेंगे, तो डूंगरपुर की जनता के लिए आज का दिन कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि आज कई बड़ी सौगातें राहुल गांधी डूंगरपुर की जनता को देने जा रहे हैं। तो आज करोड़ों की सौगात डूंगरपुर की जनता को मिलने जा रही है। 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास आज राहुल गांधी करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता किशन सैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी किशन, देखिए डूंगरपुर की जनता को आज करोड़ों की सौगात देने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, साथ ही उनके साथ सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। क्या कुछ आज का कार्यक्रम देखने को मिला है, कब तक पहुंचेंगे, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए आयुषी, आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो बीच के अंदर में बेणेश्वर धाम है, वहां पर राहुल गांधी का करीब 11 बजे आने का प्रोग्राम है। सबसे पहले राहुल गांधी जब आएंगे तो बेणेश्वर धाम के अंदर में सबसे पहले जो माऊजी महाराज है उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद के अंदर में जो 132 करोड़ का जो पुलिया है उसका शिलान्यास करेंगे, और इसके बाद के अंदर में एक जो सभा है राहुल गांधी की उनको संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस सभा के अंदर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के चार जिलों के करीब 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 लाखों लोग आने का अनुमान है। हालांकि राहुल गांधी की सभा से पहले यहाँ सुबह से ही लोगों का जो आने का है वो लगातार यहाँ पर आने का जो तांता है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर स्थानीय मंत्रियों की अगर बात करें, जो आला प्रशासन की बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर जो सभा स्थल पर है वो मौके पर पहुंच गए। जी आयुषी, जी जी किशन, देखिए 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी वहाँ पर वोट बैंक साधने की कोशिश में गए हुए है? क्या राजनीतिक समीकरण वहाँ से बनता है? देखिए आयुषी, आज दिन की अगर चुनाव की अगर बात करते हैं, विधानसभा 2023 के अंदर में जो चुनाव है उससे पहले अगर वागड़ और मेवाड़ के अंदर में जब भी चुनाव आता है उससे पहले वागड़ और मेवाड़ से यहाँ पर सियासत साधने की है वो लगातार कोशिश की जाती है। इस बार भी राहुल गांधी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो बेणेश्वर धाम है यहाँ से वो सियासी तीर छोड़ेंगे। हालांकि 2023 के अंदर में सियासी तीर से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी सौगात दी है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो अपना जो मताधार है उसको बढ़ाने के अंदर में लगातार अपना प्रयास करती जा रही है। जी आयुषी, जी शुक्रिया किशन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बांसवाड़ा जिले में इस सभा को भी संबोधित करेंगे और आज राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो डूंगरपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने के लिए राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने वाले है और कल ही नव संकल्प चिंतन शिविर का समापन हुआ है और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वोट बैंक को साधने